अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे इंशाल्लाह। सो यस, कीप वॉचिंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे। मैं क्या कर रही हूँ, आज कहाँ जा रही हूँ, देखते रहे इंशाल्लाह। एंड अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और शेयर करें सबके साथ। एंड एज आई ऑलवेज से कि अल्लाह की हर छोटी बड़ी नियामतों का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, बिकॉज शैतान आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने अपनी लाइफ में क्या खोए हो और जो आपकी नियामत अभी आपके पास है उसका नाशुक्रापन है। सो यस, ऑलवेज अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है ओके, सो लेट्स मीट अतिया शेख। अस्सलाम वालेकुम, हाय। ईद मुबारक। ईद मुबारक टू एवरीवन, यस, ऑल द फ्रेंड्स, और सबको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवरीवन हैव अ गुड हेल्थ और अल्लाह सबको सक्सेस दे लाइफ में इंशाल्लाह। और मुझे सबको बताना है कि अतिया ने एक कुछ न्यू स्टार्टअप की है, दिल से किचन। सो इट्स इन लोखंडवाला। सो डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आगे ऐड करती हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट्स फॉर हलीम, राइट? स्पेशली दिल से किचन, इट्स लाइक मैं दिल से जो भी कुछ है बनाती हूँ, ओके, इसलिए मैंने किचन का नाम दिल से किचन रखा हुआ है, ओके, ठीक है। और उसमें काफी चीज की वैरायटीज ऐड की, बिकॉज मेरा पैशन है कुकिंग। ओके, आई एम नॉट कुकिंग फॉर द लाइक यू नो बिजनेस और समथिंग, इट्स माई पैशन। लेट्स वॉक एंड टॉक। या जैसे लोग कहते हैं ना कि आप अपना पैशन फॉलो करो, एग्जैक्टली ऐसा काम करना चाहिए जिसे करते करते आपको 24 घंटा कभी बोर ना हो। करेक्ट। सो माय पैशन इज कुकिंग, व्हिच आई कैन डू मॉर्निंग 8 टू नाइट 8 एंड नाइट सेम ईयर मॉर्निंग 8। आई लव कुकिंग, यस। सो दिल से किचन इज अ दिल से जो भी खाना पकता है, इट्स वेरी हाइजीनिक एंड राइट नाउ आई एम जस्ट ऑपरेटिंग ऑन द हाउस, वेरी सून आई विल बी स्टार्ट अप इन द मुगलाई हलीम जो बॉम्बे में मिलती नहीं है और जिसके लोग बहुत फैन है, तो विच ऐसी हैदराबाद हलीम को ही मैंने ज्यादा प्रमोट किया है। एंड कबाब्स है, चॉप्स है, देन यू हैव ऑल द यू नो साइड नहारी हो गया, जो भी मुगलाई में आते हैं बिरयानी वगैरह होता है, वो सारी चीजें उसमें डाली है। And soon I'll be introducing other type of cushions also. Inshallah. So yes, keep watching and subscribe. Thank you. And follow my Insta. Yeah. It's dil_se_kitchen. Even Facebook page is also there. Okay. Thank you. And Shifa, subscribe. Yeah, please subscribe Shifa also. Shifa and Zeeshan. Zeeshan, yeah. Yeah, because without her, I am nothing. It's a teamwork. So, yes. Yeah, so we should always have a team for each other. Support the friends. Yes. Okay. Thank you. Okay. Atiya, I'm waiting for you. Go. हाँ, चल। ये एक ले लेती हूँ मैं, हाँ? या यही ले लेती हूँ प्लेन। तो मैं अब जो है नीचे आई हूँ, बिकॉज बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो यू नो हम मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। सो यस, कब पहुँचे? बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बिल्कुल नीचे यहीं पर ही हुआ है। सो यस, चलते हैं और देखते हैं और आप लोगों को भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बॉस पाक ने एकदम सख्ती के साथ में मना किया जिन्हों को, खबरदार अगर मेरे मुरीद को हाथ भी लगाया किसी ने तेरी नकल। शिफा जी उसमें ऐसा पावर है, किसी का बॉस लगा Thank you.
इसको कहीं देखा देखा लग रहा है, वो सोच रहा है इसके डैडी के साथ देखता है आपको है ना हस्बैंड, कौन आए हैं आप सलाम करें, बोलो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये देखिए ये आप ही को देख रहा है हस्बैंड देखिए अभी थोड़ी सी स्माइल दिया हस्बैंड ने एक और बाप के साले साहब है ना दो है ना जी मेरे छह भाई है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तीन मुझसे बड़े तीन मुझसे छोटे हैं। ये आपसे छोटे हैं जी। अच्छा, दुनिया में दो लोगों से बहुत प्यार करना चाहिए इंसान, एक अपनी माँ से जो तुमको दुनिया में लाती है जी। और दूसरी अपनी वाइफ से जो दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास आती है, वो तो कहीं पर भी जा सकती है लेकिन दुनिया छोड़ के आपके पास आई तो आपका हक है कि उसको आप नौकरानी की तरह नहीं रानी की तरह बना के रखें। अब रानी से मुराद ये भी नहीं कि आप उसको सर पर चढ़ा के रखें, हाँ सर पर चढ़ाना भी एक बात अलग होती है और मोहब्बत करना एक बात अलग होती है। वो एक एग्जाम्पल होता है ना, मिसाल होती है कि पैर उतने ही फैलाना चाहिए जितनी चादर होती है हद तक का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बीवी की रिस्पेक्ट ना करें, वाइफ की इज्जत ना करें। जैसे पहली चीज़ कि हम वाइफ को ये चीज़ समझाएं कि जो मेरे माँ बाप हैं अब वही तुम्हारे माँ बाप हैं। बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं आज मोहसिन भाई, इनकी खिदमत करें आप। बिल्कुल, जनरेशन ये चीज़ समझती नहीं है। होता ये है कि जब शादी हो जाती है ना तो स्टार्ट स्टार्ट में तो हमारी मेरी अम्मी आ रहे हैं मेरे अब्बू, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम जहाँ गुजरा देखो ना जी अम्मी ने ये कितना बोला, देखो ना जी अम्मी ने, मैं दुनिया घूमता हूँ, मैं वो फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको जी। लोगों को हंसी भी आती है बात पे और इसी से माहौल ख़राब हो जाता है। सही कह रहा हूँ दिशा, देखो ना जी अम्मी ने ये बोले, देखो ना जी अम्मी ने डांट दिए तो क्या हुआ, शान थोड़ी घट गई तुम्हारी उसको, उनके डांट में भी दुआ है। वो बड़े हैं उनका हक है कि अब माँ बाप कैसे भी हो उनकी रिस्पेक्ट करना हम पर वाजिब है, मैं झुकना है उनके आगे। माँ बाप कैसे भी हैं उनकी ताज़ीम उनका हक हमें अदा करना है। तो मैं भी आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टाइम पे, क्योंकि देखो ईशान भाई माँ बाप आज जो आप इस काबिल हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास घर है, आपको अल्लाह ने औलाद दी, तो इस काबिल भी आपको बनाया तो माँ बाप ने बनाया। अगर आपको माँ बाप नहीं खिलाते तो आप इस काबिल नहीं होते, सही ना। हाँ, तो आपके माँ बाप ने आपको रॉयल लाइफ दिखा दी है कि एक्चुअल में लाइफ होती क्या है। अब अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया तो अब आप अपने माँ बाप को बताओ कि आपने मुझे किस काबिल बना दिया, उनको प्राउड फील हो। हाँ, वरना ये मोमेंट पे लोग अपने माँ बाप के लिए एक खटिया डाल देंगे, माँ पड़ी भी जी। एक, हाँ एक मिसाल, एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, हज़रत मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के नबी कलीमुल्लाह है, मूसा कलाम करते थे डायरेक्ट अल्लाह का। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, तो अल्लाह ने कहा जन्नत में मेरा साथी एक कसाई होगा, सुभानअल्लाह, गोश्त काटने वाला कसाई होगा। तो कहा या अल्लाह मुझे मिलना है, मूसा अलैहि सलाम ने कहा मुझे देखना है मिलना है, अल्लाह ने ये रहता है जी। तो मूसा अलैहि सलाम गए उस दुकान के पास तो देखा कि वो गोश्त काट के लोगों को दे रहा है, दुकान बंद करके चला गया। मूसा अलैहि सलाम फॉलो कर रहे थे उसको, घर पे पहुंच गया तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि अगर तू इजाज़त दे तो मैं भी घर, उसको नहीं पता था ये मूसा अलैहि सलाम वक्त के नबी, उसको नहीं पता था, बस मूसा अलैहि सलाम ये देखने के लिए फॉलो कर रहे थे कि क्या अमल ऐसा करता है जो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा अमल क्या है इसका ऐसा। तो बहरहाल मूसा अलैहि सलाम रात में इसके साथ में घर गए, देखा तो ये जो शख्स था कसाई ये बूढ़ी औरत को खाना खिला रहा था। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये कौन है, कहा ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो मैं पहले इनको खिलाता हूँ बाद में खुद खाता हूँ। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये भी ऐसा कोई अमल नहीं लग रहा कि जो तू जन्नत में मेरे साथ होगा, कुछ और होगा। तो वो देखते देखने लगे मूसा अलैहि सलाम कि अमल क्या है इसका जो मेरे साथ में होगा जन्नत में। फिर रात में वो बूढ़ी औरत उठ के बैठी, काफ़ी ज़हीर थी, उठ के बैठी और वो कुछ कहना चाह रही है,
बूढ़े बूढ़े लोगों की आवाज़ स्लो निकलती है ना, मुझसे भी सलाम गए करीब, कहा कि कुछ हाजत हो तो बताओ मैं लाता हूँ। तो वो कुछ कह रही थी और मुझसे भी सलाम ने जब कान लगा के सुना तो वो ये कह रही थी कि या अल्लाह मेरा बेटा है जो इस उम्र में मेरा बड़ा ख्याल रखता है, तो या अल्लाह मेरी दुआ है तो जन्नत में इसको मूसा का साथी बनाना, मेरी दुआ है इसको मूसा का साथी बनाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, कहा मालिक हकीकत में इसका कोई अमल ऐसा नहीं है जो जन्नत में मेरे साथ में, बस इसकी माँ की दुआ है जो मेरे साथ में जन्नत में। तो वो एंड मोमेंट पे आके जब माँ बाप की खिदमत करता है ना बंदा, तो माँ बाप एंड मोमेंट में नहीं, जिंदगी में तो माँ बाप की खिदमत करो, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है माँ बाप का तो उस वक्त दुआ मजबूत असर करती है। मैं हर जगह ये पैगाम देता हूँ कि एंड मोमेंट पे जब लोग खटिया डाल देते हैं, किनारे पे घर से निकाल देते हैं, तो वो असल टाइम रहता है कि आप उनकी खिदमत करें। जिंदा मिसाल मेरे वालिद साहब, हमारे अब्बा, हाँ हमारे अब्बा जिंदा मिसाल है। हमारे अब्बा के पास कुछ भी नहीं था, एंड मोमेंट में हमारे अब्बा ने मेरी दादी की बहुत खिदमत की, तो दादी ने दुआ दी थी कि बेटा अल्लाह तेरी नस्लों को आशिक रसूल बनाए, और उनका बेटा तुम्हारे सामने बैठा। तो माँ बाप की दुआ उस्ताद पत्थर की लकीर होती है। बेशक बेशक, हाँ कहते हैं ना जिसके माँ बाप जिंदा वो बहुत खुशनसीब है। बेशक, सऊदी का भी ब्लॉग देखा, आपने देखा ना अब्बा साहब आज भाई, वो तो कुछ नसीब थी मेरी के एक हाथ में अम्मी का था, एक हाथ अब्बू का था, और साथ में हम तवाफ कर रहे थे काफी। वो नसीब नहीं होता माँ बाप के साथ जल्दी, माँ बाप के साथ और पीरो मुर्शिद के साथ। औरत ये होती है जो जिंदगी बना भी सकती है, जिंदगी बिगाड़ भी सकती है। हाँ ये चीज में मैंने देखा हूँ, अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल तलाक है। अच्छा, हर छिल जाता है अल्लाह का, तलाक अपनी पसंद है। तो मैं अपने साथियों से भी ये कहता हूँ कि अपनी वाइफ को स्पेशल प्रे कराओ, उस पर तवज्जो दो। हाँ, और वाइफ को भी ये चाहिए कि अपने शोहर को वो भी एकदम स्पेशल प्रे कराए कि नहीं आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं, उस पर तवज्जो दो। हाँ, और वाइफ को भी ये चाहिए कि अपने शोहर को वो भी एकदम स्पेशल प्रे कराए कि नहीं आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि नॉलेज इतनी हो गई है दुनिया घूम घूम। शेर कहता हूँ ना हर जगह पर, जिसको आसानी से मिल जाता हूँ ना, जिसको आसानी से मिल जाता हूँ मैं, वो समझते हैं बड़ा सस्ता हूँ, वो समझते हैं बड़ा सस्ता हूँ मैं, या समुंदर से पूछ सहरा भी मेरी, किस कतरे ने कह दिया प्यासा हूँ। अल्लाह की ज़ात, मैंने आपको बताया ना कि अल्लाह की ज़ात से जिसकी उम्मीद होती है तो अल्लाह समुंदर से भी रास्ता निकालना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दरिया नील से भी रास्ता निकालना जानता है। जब फिरौन मूसा अलैहि सलाम के पीछे दौड़ रहा था मारने के लिए, मार देगा तो अल्लाह ने कहाँ से रास्ता निकाला? कुरान में अल्लाह ने तो दरिया नील से रास्ता निकाल दिया मूसा अलैहि सलाम पर। तो वो हमारा मसला उसके नज़दीक क्या है? कुछ नहीं। जिस दुआ उसे फरमाते हैं, दुआ जो है ना मोमिन का हथियार है, मोमिन का दुआ में जैसा। और दोस्त पाक कहते हैं कि अगर अल्लाह को दुआ कबूल करना नहीं होता तो अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक भी नहीं देता। अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक उसी को देता है जिसकी दुआ अल्लाह को कबूल करनी होती है। समझे? तलाक एकदम एंड मोमेंट पर, जब के कुत्ते की तुम टेढ़ी जब सीधी होगी नहीं, तब जब हमको ऐसा लगे कि ये शराब पी रहा है, मेरी कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है इसके नज़दीक, तब जब आपको ऐसा लगे कि मैं गुलाम हूँ तो उस वक्त आप फ्री हो जाओ। याद जब मेरी नगरी याद आपकी जब नहीं की, वो है तलवार।
शफीक जो मेरा वास है और ला देला बेटा तेरा। बस तमन्ना एक बार की गौस पाक अपने दरबार में बुलाएं इंशाल्लाह, और गौस पाक की जालियों के सामने खड़े होके हम उनको कलाम सुनाएं इंशाल्लाह। आमीन। राय लगे الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير। इसका मतलब है ونعم الوكيل। ये कलाम इतना वायरल हुआ मेरा, ये वाला दिल से लिखा था मैंने एक एक शेर इसमें दुनिया के ऊपर। जी जी, ये कब्रिस्तान है ना। अभी हम मोहसिन भाई के साथ यहाँ पर आए हैं शुक्रुल्लाह शाह बाबा, और इनके चाहने वाले हर एक कदम पे मिलते जा रहे हैं और सेल्फीज फोटोज के लिए, तो भाई वहीं पे बिजी है। शुक्रुल्लाह शाह बादशाह में इनके साथ आए थे और इनके चाहने वाले इतने मिले माशाल्लाह, सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं जी, और अल्लाह ने इज्जत दी है इनको माशाल्लाह। की ज़ियारत ऐसे ही कराते रहे, इनके लिए भी दुआ करें हमारे लिए भी दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। आपकी ईद कैसी रही और रोजे कैसे गए? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, आप कैसे हैं? आपकी ईद कैसी गई? अल्लाह का करम है, आपको ईद मुबारक। वापस से ईद मुबारक। अच्छा माशाल्लाह, ईद मुबारक।